नेशनल दस्तक आज देश में नागरिक देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की बात सुनने को आज देश में नागरिक तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती थी? जातिगत जनगणना कराने से क्या नुकसान है? आज कौन लूट रहा है देश? कहाँ जा रहा है पैसा? आज भारत सरकार कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, फिर ये मनरेगा के लिए क्यों यहाँ लोग बैठे हैं? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही? पाकिस्तान की चर्चा टीवी पे कर रहे हो क्या? कौन सा देश कहाँ बम फेंक रहा है तुम्हें मालूम है? मणिपुर में क्या हो रहा है कौन बताएगा? टीवी पे क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर बात की जाती? ये गए थे संसद की चौखटों को चूम के, ड्रामा करके देश को दिखा के कि मैं आया हूँ संसद का लाल, जो संसद चूम के जा रहा हूँ। किस तरह की भाषा प्रयोग हो रही है संसद में? आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, आप भारत की बात करते हैं, आप इंडिया को क्या कह रहे हैं? गुलामी का प्रतीक है। ऐसे बनेगा अखंड भारत? नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचारों का खुलासा किया, आज तक कोई मीडिया चैनल इनके भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, छुपाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर आप पर्दा डालते हैं, मोदी मीडिया के पास बोलने के लिए बचा तो है नहीं है। ऐसे चरित्र को आज लोगों ने पहचान लिया है। अगर हमें अपना देश बचाना है तो टीवी पर बैठे जो न्यूज एंकर हैं इनका बहिष्कार करना अनिवार्य है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, रोक सको तो रोक लो। नमस्कार, मैं हूं नूर जहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि कई तादाद में लोग आए हुए हैं और कई कई राज्यों से लोग आए हुए हैं, और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी यहां पे प्रोग्राम होने वाला है और शुरू हो चुका है, तो उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। नितिन सेंगर। हाँ, तो ये प्रोग्राम है मतलब किसके लिए? देखिए, ये मनरेगा में का जो पैसा है भारत सरकार देने में असफल है, किसी भी राज्य को नहीं दे रही है। ये बंगाल की समस्या नहीं है। मनरेगा का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता है मनरेगा, लेकिन मनरेगा के माध्यम से ही कोरोना जैसी महामारी से जो गरीबों तक पैसा पहुंचाने में उनकी मदद करने में सरकार ने जो कामयाबी पाई वो मनरेगा के माध्यम से ही पाई। आज जब बंगाल के लोग मनरेगा का जो पैसा नहीं दिया जा रहा है उसके लिए जब यहाँ पे आंदोलन लेते हैं तो भारत सरकार ने इन्हें रोकने के लिए ट्रेनें निरस्त कर दी। मोदी सरकार ने 4 ट्रेनें निरस्त कर दी, फ्लाइटें निरस्त कर दी, कि कैसे भी देश का गरीब नागरिक, आम नागरिक अपनी पीड़ा देश के सामने ना रख सके। आज आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, समय देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। डेमोक्रेसी ऑफ फादर हमारे मोदी जी, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की वास्तविकता है देश के सामने। जातिगत जनगणना बिहार में नीतीश कुमार जी ने करा दी है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, सभी राज्यों को कराना। जातियों में बांट दिया है ना, जातियों में तो बैठे हुए थे, बांट कब दिया है? लेकिन जातियों में बांटा है, जनगणना कराई है जातियों को। जातिगत जनगणना को गलत तरीके से आप सामने लाना चाह रहे हैं। जातियों में तो हम वैसे ही बैठे हुए हैं। कौन सा आज ऐसा व्यक्ति है जो जाति में नहीं बटा? आप यहाँ से किसी को भी पकड़ लो, हर व्यक्ति जाति में बटा हुआ है। जातिगत जनगणना से हमें ये प्राप्त होता है कि हमारी कितनी संख्या है और हमें कितना अधिकार मिलना चाहिए हमारा। आज देखिए 14% यादव है वहाँ पे, 17% मुसलमान है, 3% जो लोग हैं वो शासन कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये भी एक तरीके से धर्म की राजनीति ही कर रहे हैं? धर्म आप गलत जगह जोड़ना चाहते हैं। कल ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए कितने उन्होंने, आप टीवी पे न्यूज एंकर बन के बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं आपके सुधीर चौधरी जी। जातिगत जनगणना के लाभ तो बताए नहीं, ठीक है, और जातिगत जनगणना को लेके नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती थी? जातिगत जनगणना कराने से क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? क्या हमारे देश में इससे पहले कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई? जब भाजपा सरकार हमारे देश में नहीं थी, कांग्रेस सरकार के शासनों में नहीं हुई क्या? जातिगत जनगणना से देश के नागरिकों को ये एहसास रहता है कि हमारा कितना संख्या बल है और हमें क्या मिलना चाहिए भारत के बजट में, हमारी क्या हिस्सेदारी होना चाहिए। आज कौन लूट रहा है देश? कहाँ जा रहा है पैसा? 1,00,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, किन के पास गया ये? आज भारत सरकार कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, फिर ये मनरेगा के लिए क्यों यहाँ लोग बैठे हैं? क्यों नहीं पैसा दे रही भारत सरकार? क्यों इनको बंगाल से यहाँ आंदोलन करने आना पड़ रहा है? लेकिन वहाँ पे भी तो कांग्रेस की सरकार है ना पश्चिम बंगाल में। भाई सरकार तो केंद्र देगा ना पैसा, भाई कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां भी तो हैं, अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है बंगाल सरकार, राजस्थान सरकार, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही? मणिपुर में जब कोई कांड होता है तो आप नेट बंद कर देते हैं 80 दिनों तक, देश को जानकारी नहीं। अभी भी नेट बंद है, अभी भी क्या हो रहा है हमें जानकारी नहीं, लेकिन टीवी चैनल पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमें जानकारियां हो जाती हैं। दुर्भाग्य नहीं है देश का? पाकिस्तान की चर्चा टीवी पे कर रहे हो क्या? कौन सा देश कहाँ बम फेंक रहा है तुम्हें मालूम है? मणिपुर में क्या हो रहा है कौन बताएगा? जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कौन बताएगा? मणिपुर पे भी तो वो जो मोदी सरकार ने, जो मोदी है उसने एकदम दुख भरी वो कही थी। क्या कुछ नहीं कहा, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने तो ये कहा। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया मणिपुर के। बोले तो थे मोदी जी ने इस्तीफा दिया,
आप देखिए हमारे मुंबई में घटना घटी, कसाब ने अटैक किया, मुंबई के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर किसी ने इस्तीफा दिया? रेल दुर्घटना हुई, कितने लोग मारे गए आज तक हकीकत नहीं पता, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं दिया? भैया भ्रष्टाचारियों की सरकार है, सीएजी की रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचारों का खुलासा किया, आज तक कोई मीडिया चैनल इनके भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता। अब आप पश्चिम बंगाल में कुछ प्रतिशत लोग तो मोदी के साथ ही है, मोदी सरकार के साथ है, कौन कह रहा है ऐसे? तो सब जगह पे कुछ प्रतिशत लोग सबके साथ है, मोदी जी के साथ ही अकेले थोड़ी है, सभी के साथ हैं, सपा के साथ भी हैं, कुछ प्रतिशत लोग बसपा के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, सबके साथ हैं। आप तो मोदी जी को अकेले ही बना दे रही कि मोदी जी के साथ हैं, ये किस तरीके का सवाल है? जातिगत जनगणना सभी राज्यों में होनी चाहिए, ये अधिकार है देश के नागरिकों का कि उन्हें पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी संख्या और हमें कितना हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। जातियों में बांटना हो गया ना, जातियों में तो हम बटे हुए हैं क्या? जातिगत जनगणना से दिखाना क्यों है? जातियों में हम बटे नहीं क्या? दिखाना क्यों? मोदी जी पैर क्यों धोते हैं दलितों के फिर, अगर हम जातियों में नहीं बटे? मोदी जी छाती थोक के क्यों कहते हैं मैं ओबीसी हूँ? बताइए आप, जातियों में तो बटे हुए हैं। आप सही कदम को तर्क और वितर्क करके आप लोग छुपाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर आप पर्दा डालते हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर क्यों नहीं बात करता टेलीविजन? आप कभी कांग्रेस को घोटालेबाज कहते हो, कभी किसी को घोटालेबाज कहते हो, आज जब भारत सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना का घोटाला सामने आया, नितिन गडकरी का घोटाला सामने आया, 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बनाई है, 1.75 लाख लोगों को आपने आयुष्मान भारत योजना में लाभ दे दिया, 40,000 करोड़ का स्कैम। आप महाराष्ट्र में शपथ दिलाते हैं रात में 3 बजे, वहाँ 40,000 करोड़ का स्कैम किया जाता है, बिना बहुमत के आप फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और बात आप फिर करते हैं राष्ट्रवाद की, अखंड भारत की बात करते हैं मोदी जी। चाइना ने जब हमारी जमीन का मानचित्र पेश कर दिया, चाइना के साथ तो संबंध अच्छे हुए हैं ना G20 के माध्यम से, प्रदेश घेर लिया, स्काई चीन ले लिया, मानचित्र पेश कर दिया, ये संबंध अच्छे हैं, हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर रहा है, ऐसे बनेगा अखंड भारत कि हमारे देश को कोई भी कब्जा कर ले? देश के नेता तो आए हैं ना इंडिया में, बड़े बड़े नेता, इससे मतलब क्या है कि हमारा देश तुम ही ले लो, नेता आए हैं तो क्या ये कोई बड़ी बात होगी? क्या पहले नहीं आते थे नेता? क्या पहली बार आ रहे हैं नेता? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आप भारत सरकार के फेलियर को छुपाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, अब आपके पास कुछ गोदी मीडिया के पास बोलने के लिए बचा तो है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आलोचना करता है आपकी कि आप सच को झूठ और झूठ को सच देश को दिखा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं करेगा। जातिगत जनगणना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करानी चाहिए, ये जनता का अधिकार है। नीतीश कुमार जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, सही समय पर कदम उठाया है, जिससे कि नागरिकों के आंख से वो पट्टी उतरे कि हिंदू कौन है, केवल ब्राह्मण ही है क्या? हिंदू यादव हिंदू नहीं है, पूछना चाहता हूँ ओबीसी वाले हिंदू नहीं है क्या? मेरा भारत सरकार ने क्या दिया? आज 3% लोग कोर्ट में ब्राह्मण बैठा है, सभी संवैधानिक पदों पर ब्राह्मण बैठा है, हर जगह देखो केवल ब्राह्मण राज है, और कोई देश में जाति है नहीं, केवल ब्राह्मण ही है क्या? तो ये खुलासा हुआ है जातिगत जनगणना से, जिसके खिलाफ प्रचार भारतीय जनता पार्टी के सभी टीवी एंकर कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, समझे ये दुर्भाग्य है देश का, ये लोकतंत्र की हत्या है। किस तरह से आप संसद में एक मुसलमान सांसद को अपमानित करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, कितने बड़े बड़े नेता इस संसद में हुए, कभी इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया? ये गए थे संसद की चौखटों को चूम के, ड्रामा करके देश को दिखा के कि मैं आया हूँ संसद का लाल, जो संसद चूम के जा रहा हूँ, किस तरह की भाषा प्रयोग हो रही है संसद में? राहुल गांधी जी की सदस्यता आप खारिज कर देते हैं और आपका एक सांसद इतनी अनावश्यक टिप्पणी करता है संसद में, कोई कार्रवाई नहीं क्यों? आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, आप भारत की बात करते हैं, आप इंडिया को क्या कह रहे हैं? गुलामी का प्रतीक है। जब डिजिटल इंडिया बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया वोट फॉर इंडिया, तब क्या था? ऐसे चरित्र को आज लोगों ने पहचान लिया है। आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के ना जाने कितने सांसदों की जमानत जब्त होगी। लोग तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने विकास करा है। हाँ, विकास कहाँ करा है? विकास उद्योगपतियों का विकास किया, देश नीलाम करना विकास है, देश की कंपनियां उद्योगपतियों को देना, एयरपोर्ट बेचना विकास है, देश की बैंकें बंद कर देना विकास है, स्कूल बंद कर देना, हॉस्पिटल बंद कर देना विकास है। आवास योजना लाए हैं वो मोदी जी, आवास योजना लाए हैं, आपको घर दिए, घोटाले खुल तो रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट ने इनकी सारी योजनाओं के घोटाले दिखा तो दिए। टीवी पे क्यों नहीं आती आज? क्यों नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर बात की जाती?
किस प्रकार से घोटाले सामने आए हैं। आज बहस नहीं हो रही ना टेलीविजन पे, क्योंकि टेलीविजन पे बैठे लोग न्यूज एंकर आज बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। देश को ये समझना पड़ेगा, देश को टेलीविजन पे बैठे एंकरों का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर हमें अपना देश बचाना है तो टीवी पर बैठे जो न्यूज एंकर हैं इनका बहिष्कार करना अनिवार्य है, जरूरी है। ये देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। 14 एंकर का हुआ तो है बहिष्कार, इसे जनता को भी करना है। टीवी बंद, जैसी एंकर आए टीवी बंद, यूट्यूब देखिए आप। तो आपके हिसाब से सही है जो 14 एंकर को बर्खास्त कर दिया गया था? देखिए हमारे हिसाब से क्या, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, ये सबके लिए है। आई समझ में, अपनी जिम्मेदारी से भागना, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देना, आप 50 साल पीछे की बात करने लगते हो, हमें वर्तमान की बात करो। क्या बोले थे आप, क्या दे रहे थे आप वो बातें ना करके औरंगजेब के पास चले जाते हो, कभी पाकिस्तान चले जाते हो। बात हिंदुस्तान की करो, बात वो करो जो वादे किए थे आपने। आज गुमराह करने का प्रयास मत करो। आज देश जाग रहा है और देश ने तय कर लिया है कि 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी ही चाह रहे हैं 100% बनेंगे। राहुल गांधी देश के नेता हैं और 24 में राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रोक सको तो रोक लो। मोदी की सरकार तो गिरी, 2024 में मोदी ही आएंगे। तभी तो सब्सक्राइबर के लिए वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 17.9 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हैं उसे सब्सक्राइब करने के लिए अपील करनी पड़ रही है, वो फेक है ना। इतने तो झूठे हैं। आज रवीश कुमार को लोग देख रहे हैं, मोदी को नहीं देख रहे। अजीत तुंजम जी को लोग देख रहे हैं, मोदी को लोग नहीं देख रहे। नेशनल दस्तक आज देश में नागरिक देख रहा है, नरेंद्र मोदी जी की बात सुनने को आज देश में नागरिक तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो देश से झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आज उनका चरित्र, उनकी वास्तविकता देश जान चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि मोदी गुमराह कर रहे हैं, देश में घोटाला कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, लोग 2024 में राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे जनहित आवाज।